चलो आपको सीधा लेकर चलते हैं जयपुर कमिश्नरेट, जहां एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस वहां पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं कैलाश विश्नोई। 3 और 4 तारीख को जयपुर के आयुक्तालय क्षेत्र में जो जिला नॉर्थ है उसमें 2 सनसनीखेज गंभीर घटनाएं हुई थी। एक 3 तारीख को होती है जिसमें बेसिकली एक हवाला का कारोबारी जो फाइनेंसर है उसके साथ में फर्जी पुलिसकर्मी बन करके ठगी और झांसे के थ्रू 20 लाख रुपए का बैग पार कर दिया गया था। और दूसरी घटना थी जो 4 तारीख को हुई थी जयसिंहपुरा खोर थाना क्षेत्र के अंदर राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के अंदर दोपहर में करीब 2:45 बजे के आसपास में 2 व्यक्ति हथियारबंद होकर के बैंक में प्रवेश करते हैं और बैंक के कर्मचारियों को बंधक बना करके करीब 5.5 रुपए की लूट कर की जाती है। दोनों चूंकि गंभीर घटनाएं थी जयपुर शहर की, सीपी साहब ने इसमें विशेष निर्देश देकर के डीसीपी नॉर्थ और एडिशनल एसपी नॉर्थ के सुपरविजन में विशेष टीमें गठित की थी जिन्होंने कड़ी मेहनत करके दोनों ही घटनाओं का चंद घंटों में ही खुलासा किया है। पहली जो घटना है बेसिकली कोतवाली क्षेत्र की जहां पे 20 लाख का बैग पार कर गया था, ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है बेसिकली ईरानी गैंग जो पूर्व में भी इतिहास रहा है जयपुर के क्षेत्र में वारदात करने का, उसी मोडस ऑपरेंडी पे वारदात हुई थी और उस गैंग के करीब 4 सदस्य गिरफ्तार किए हैं पुलिस ने और कुछ रकम भी इनसे बरामद हुई है। कुछ उनके साथी हैं जो आरोपी जो भाग गए थे, अभी उनके तलाश में टीमें हमारी काम कर रही है। और दूसरी घटना जो जयसिंहपुरा खोर क्षेत्र में हुई थी वो 2 आरोपियों द्वारा की गई थी, दोनों आरोपी पुलिस स्थानीय आरोपी हैं, वो जयपुर क्षेत्र के, उन दोनों को गिरफ्तार किया है और उनसे मोटरसाइकिल जिस वारदात की थी इन्होंने और जो पिस्टल और चाकू वारदात में काम में लिया था लूटी गई रकम ये भी बरामद की गई है और इनसे गंभीरता से अनुसंधान किया जा रहा है। जो कोतवाली क्षेत्र की जो वारदात थी उसके अंदर गैंग्स में बेसिकली एक सर्टन पोर्शन था, एक आरोपी जो स्थानीय था मजहर बेग बेसिकली, उसको तो यहीं पर लोकली टीम के द्वारा आइडेंटिफाई करके अरेस्ट किया गया है और 2 साथी इनके भोपाल से अरेस्ट किए और एक को फरुखाबाद यूपी साइड से अरेस्ट किया गया है। तो जैसे मैंने बताया ये अंतर्राज्यीय गैंग है, इनके काफी स्टेट्स में इनके केसेस चलते हैं तो अलग अलग स्टेट से इकट्ठे होकर के एक सुनियोजित तरीके से वारदात से करीब 4-5 दिन पहले ये 2-2 के टुकड़ों में यहाँ पर आते हैं। एक टीम आकर के यहाँ पर शेल्टर ढूंढती है स्थानीय घर में क्योंकि होटलों में इनको आईडी देनी पड़ती है, तो उससे बचाव के लिए इन्होंने एक स्थानीय आरोपी को चयनित किया और उसके घर पर रुकते हैं। दूसरी टीम आती है जो बेसिकली रेकी करती है, तीसरी व्हीकल्स मुहैया कराती है और चौथी टीम वारदात करने आती है। कुल मिलाकर के 8 आरोपी थे जिसमें से पुलिस ने 4 को अरेस्ट किया। सर ये आपने कहा फर्जी पुलिस वाला, इन्होंने बेसिकली अपनी जो उस व्यापारी था बेसिकली जो फाइनेंसर था ये हवाला का जो काम करते हैं उस व्यक्ति को जब रोका तो उन्होंने अपना परिचय पुलिसकर्मी बन करके दिया कि हम आपके बैग को चेक करना चाहते हैं। उस झांसे में इन्होंने बैग चेक करने के बहाने से लिया, वो व्यक्ति जाकर के अपने सेठ को फोन करता है, वो टाइम बैग पार कर देते हैं। तो इन्होंने अपना जो परिचय दिया था बेसिकली फर्जी पुलिसकर्मी बन करके दिया था। नहीं, खर्च नहीं किए बेसिकली, मैंने बताया कि ये करीब 8 सदस्य टीम थी जो टुकड़ों में आई थी, तो वारदात करने के बाद ये टुकड़ों में ही अलग अलग बिखर जाते हैं, तो 3 अलग अलग जगह से इनको अरेस्ट किए, इनके साथ ही फरार हैं बेसिकली, पैसा बाकी पैसा उनके पास है जो उनको अरेस्ट करके रिकवर करेंगे। तो सर ये टोटल कितने लोग हैं पूरे? अभी तक के प्रारंभिक अनुसंधान में 8 लोगों का रोल पाया गया है जिसमें से 4 को अरेस्ट किया पुलिस ने। इसके आपराधिक रिकॉर्ड अभी तलाश किया जा रहा है बेसिकली, अभी तक समय नहीं मिल पाया उसके लिए आइडेंटिफाई, इसका भी रिकॉर्ड चेक कर लेंगे। जो मेन कासिम बेग है, कासिम करके जो अरेस्ट किया कामरान जमीन है, इसके करीब 13 केसेज हैं वेस्ट बंगाल में, दिल्ली साइड में, रांची साइड के अंदर और अन्य स्टेटों से इनका रिकॉर्ड मंगाया जा रहा है बेसिकली। बहुत सी वारदातों में तो ये नामजद भी नहीं है अन्य स्टेट्स के अंदर, कुछ स्टेट्स में इनको पकड़ा गया, नामजद हो पाए हैं बेसिकली। हाँ, ये बेसिकली डीसीपी नॉर्थ मैडम और इनकी जो टीम है इन्होंने बहुत कड़ी मेहनत करी, दोनों ही घटने बेसिकली ब्लैंक थी, सीसीटीवी फुटेज का पहचान करते करते हर कैमरा को इन्होंने आइडेंटिफाई करते हुए जहाँ पे जाकर के रुके थे आरोपी उस घर को आइडेंटिफाई किया और वहां से फिर इनको जो हाइड आउट जिसने दिया था उसको पकड़ करके बाकी लोगों के बारे में जानकारी ली गई थी। हाँ, करीब 50-60% राशि इसमें रिकवर हो गई। हाँ, मैंने बताया ना कि हर व्यक्ति जो 2-2 बड़ी पेयर के रूप में ये आते हैं तो हर एक के पास एक डेफिनेट एक रोल दिया गया था, इनकी प्लानिंग इस तरह की थी
दो लोग हैं जो बेसिकली वो जालानियों का जो रास्ता था उसकी रेकी करके प्लेस और जगह आइडेंटिफाई करते हैं वारदात कहाँ करनी है। दो लोग हैं जिन्होंने ठिकाना देखा था रुकना कहाँ पे है। दो लोग हैं जो बेसिकली आरोपी जो मोटरसाइकिल से इन्होंने काम में ली उनकी उनका पर्याय उनको बेसिकली लेकर के आए हैं। और दो आरोपी थे जो बेसिकली वारदात एक्चुअली जिन्होंने आकर के की है। तो करीब 8 लोगों का रोल है इसमें। हाँ ये थोड़ा बेसिकली एक सोशल मीडिया के जमाने का एक आउटकम मान लो या जो भी इसका रिजल्ट है। इन दोनों आरोपियों ने YouTube पर कुछ अपने कलेक्शन एजेंट्स के साथ में जो लूट्स हुई थी पुराने उनके जो वीडियो अपलोडेड थे उन वीडियो को देख करके ये प्लानिंग बनाते हैं। बेसिकली मोटिवेशन भी वहीं से लिया इन्होंने, प्लानिंग भी वहीं से बनाई। तो घटना 4 तारीख को करीब 3 तारीख को पहले जा करके ये बैंक का CCTV का जो बाहर का था पोर्शन उसको कट करते हैं, अलार्म सिस्टम को डीएक्टिवेट कर देते हैं और अगले दिन आते हैं बेसिकली अपना हुलिया बदल करके जो भी वेशभूषा इन्होंने करी है अपने मुंह पे कपड़ा वगैरह बांध करके अपना बचाव करने के लिए वो वारदात इस प्रकार से की। वैसे एक तो आरोपी को हम सीकर से डिटेन किया था और एक चूंकि स्थानीय मैंने बताया यहीं का लोकल था उसको यहीं से पकड़ लिया गया था। ये भी बेसिकली नॉर्थ की जो थाना स्तर की टीम थी और DST ने CCTVs को ही बैक ट्रैक करते हुए इनको आइडेंटिफाई करके अरेस्ट किया। नहीं अभी इनके पास ऐसी कोई रिकवरी नहीं हुई है बट वो तो इन्होंने मुख जबानी बताया था। बेसिकली ऐसा कोई कार्ड इन्होंने दिखाया नहीं था बट उस पार्ट पे भी गहनता से अनुसंधान कराएंगे अगर इनके पास में ऐसा कोई फर्जी ID कार्ड भी बने हुए हों तो। हाँ नहीं वो मानसरोवर क्षेत्र के अंदर भी वारदात हुई थी उसमें भी खुलासा हुआ था। एक शास्त्री नगर में भी पकड़ा था उसमें भी खुलासा हुआ था। वो फर्जी पुलिसकर्मी बन के वो वर्दी पहन के घूम रहे थे बेसिकली या इन्होंने अपना परिचय दिया है बेसिकली पुलिस को। जी हाँ बिल्कुल उनमें से एक आरोपी शामिल है इसके अंदर। एक 8 लोगों का मैंने बताया कि रोल आइडेंटिफाई किया था उनमें से 4 को पुलिस ने अरेस्ट किया है। शेष के लिए हमारी टीमें काम कर रही है। हाँ वो तो 13 वारदातों में तो इनका रिकॉर्ड सामने आ चुका है। बाकी तभी इनसे गहनता से अभी अनुसंधान होगा क्योंकि काफी डिस्टेंस से पकड़ करके लाए थे तभी डिटेल्ड इंटरोगेशन हो नहीं पाया उस पर करेगी हमारी टीम से। तो जयपुर कमिश्नरेट में आप एडिशनल CP कैलाश विश्नोई को सुन रहे थे।